तो हेलो गाइज, मेरा नाम है संजू ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर हिमाचल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल आने के लिए जो है गाइडलाइंस चेंज हो गई है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, तो लेकिन उसमें किसी में भी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है कि आप क्या क्या जो है हिमाचल आने के लिए आप क्या क्या करें। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप किसी भी स्टेट से जो है हिमाचल घूमने के लिए आ रहे हो तो आपको क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, और साथ ही में आपको जो है ई पास में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। इस बार जो है ई पास भी जो सरकार ने वो कंपलसरी कर दिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ई पास आप कैसे भरें, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा अगर आप जो है बच्चों के साथ जा रहे हो तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी रहेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सरल भाषा में, और साथ ही मैं आपको जो आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। हिमाचल में जो है एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हिमाचल सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब फिर से जो है आपको हिमाचल आने के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। अगर आप हिमाचल आ रहे हो या हिमाचल से बाहर जा रहे हो तो आपको जो ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका क्या मेथड रहेगा वो आपको मैं वीडियो क्लास में बताऊंगा। तो हिमाचल आने के लिए आपको इन तीनों में से एक चीज़ ज़रूरी है, तो पहला जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट, और दूसरा है RT-PCR, और तीसरा है वैक्सीन की डबल डोज। तो अगर आप जो हिमाचल आ रहे हो तो आपको जो है अपने ई पास में इन तीन टेस्टों की जो है रिपोर्ट आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो वो कैसी होगी वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो अगर बात करूँगा मैं रैपिड एंटीजन टेस्ट की, तो उसकी जो है रिपोर्ट आपको 24 घंटे की आपको यहाँ पे वैलिड होगी। अगर मैं RT-PCR की बात करूँ तो आपको जो है 72 घंटे की RT-PCR टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट आपके लिए वैलिड होगी। तो तीसरा जो आपको जो है डबल डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा, और अपने साथ भी आपको लाना होगा। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सिंगल डोज वैक्सीन वाले भी क्या आ सकते हैं, नहीं, अगर आपको डबल डोज है तभी आप जो है हिमाचल आ सकते हो बिना किसी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के। तो इन तीनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, अगर आपको डबल डोज वैक्सीन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और उसको जो है अपलोड ई पास में अपलोड कर देना है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR में से आपको जो है RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी ज़्यादा है और 72 घंटे की, 3 दिन की वैलिडिटी है, तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपके साथ कोई 18 साल से छोटा बच्चा आ रहा है तो उसको कोई भी जो है कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपको जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR, डबल डोज वैक्सीन का, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए हिमाचल आने के लिए। और जो है अब ई पास भी कंपलसरी कर दिया, तो आप बिना ई पास के जो है हिमाचल में एंटर नहीं कर सकती हो। या फिर कोई हिमाचली जो हिमाचल से बाहर जाना चाहता तो उसको भी जो वापस आने के लिए ई पास की ज़रूरत है। साथ ही हम आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप जो हिमाचल आओ तो वहाँ पे जो आप मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यार मैं तो यही कहूँगा कि मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, और जो है कोरोना से थोड़ा दूर रहिए। तो अब मैं आपको बताऊँगा कैसे जो है आप जो है ई पास हिमाचल आने के लिए ई पास भरेंगे, और उसमें क्या क्या नया जुड़ा है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको जो है हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट, जो ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उसकी वेबसाइट covidregistration.hp.gov.in पे आपको जो है लॉगिन करना होगा। उसके बाद जो आपके पास इंटरफेस आएगा वो ये आएगा। तो सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आएगा वो आएगा रिक्वेस्ट टाइप, आप हिमाचल आ रहे हो चाहे हिमाचल जा रहे हो तो उसको आपने डालना है। तो कहाँ से आ रहे हो तो हम डालेंगे छत्तीसगढ़, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे हम बस्तर। उसके बाद फुल एड्रेस डालेंगे, चलो एड्रेस तो हर कोई डालते हैं, एड्रेस हमने डाल दिया है। उसके बाद कहाँ से जाना है आपको, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू करेंगे, कुल्लू में जाना हम तहसील मनाली, मनाली टाउन। उसके बाद हमने पंचायत वार्ड कुछ भी डाल देते हैं, फुल एड्रेस में भी हम ये डाल देते हैं। तो पर्पस ऑफ विज़िट क्या है हमारा, जो हम एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, आपको जो आपका पर्पस है वो सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें फिर आपको अब एप्लीकेशन डिटेल में आपको जो है अपनी डिटेल डालनी है, इसमें हम अपना नाम डालेंगे, नंबर डालेंगे और एड्रेस। तो एड्रेस डालने के बाद आपको जो ऑप्शन आएगा नीचे कि गवर्नमेंट ID प्रूफ, इसमें आपको जो है आधार कार्ड, जो भी आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड, उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है उस ID का आपको जो है नंबर डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड का या कोई भी लाइसेंस का नंबर होगा वो आपको गवर्नमेंट ID नंबर में डालना होगा। उसके बाद जो उस डॉक्यूमेंट का आपको जो है फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसका एक ऑप्शन आएगा RU वैक्सीनेटेड, अगर आप वैक्सीनेटेड है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। तो अगर यस आएगा तो आपको जो नीचे एक और ऑप्शन आएगा, इसमें कि आपको जो है अपलोड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो
उसके बाद जो है अदर डिटेल में आपको व्हीकल टाइप क्या है, टैक्सी इसमें आपको कमर्शियल जो भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हो, टू व्हीलर पे आ रहे हो, उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। हम सेलेक्ट करेंगे प्राइवेट व्हीकल और आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो है कितने पर्सन आ रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें आप जैसे ट्रैवलिंग विद फैमिली आ रहे हो या अदर आ रहे हो, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको सिर्फ उसमें सिर्फ नाम सेलेक्ट करना है और सीधे उसका वैक्सीनेशन स्टेटस यस या नो करना है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो सबकी डिटेल आपको इसमें डालनी पड़ेगी, नाम और वैक्सीनेशन स्टेटस के साथ। तो आप इसमें देख सकते हो पर्सन नेम और वैक्सीनेशन स्टेटस। तो अगर हम ऊपर सेलेक्ट करेंगे ट्रैवलिंग विद अदर्स, तब आपको जो है इसमें आपको सब कुछ उसकी सब कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी, आईडी प्रूफ भी डालना पड़ेगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तब आपको आईडी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और के साथ आ रहे हो तब आपको उसका मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ और उसका जो भी है डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आ रहा है सब कुछ आपको जो उसका डालना पड़ेगा। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तब आपको नाम और सिर्फ उसका वैक्सीनेशन स्टेटस डालना है। अगर नहीं आ रहे हो तब आपको जो है आपको पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है तो आपको जो है ई पास मिल जाएगा। तो होप कि आप सभी को जो है अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें।